समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को झटका देते हुए खुली नसीहत दी है और इन दोनों नेताओं को पत्र जारी किया है। इस पत्र में शिवपाल सिंह यादव को मेंशन करते हुए लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह का पत्र ओम प्रकाश राजभर को मेंशन करते हुए लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि आप लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने विरोध जताया था। इस मामले में उन्होंने अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा था और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के सम्मान को याद रखने के लिए कहा था। शिवपाल सिंह यादव ने पत्र में कहा था कि यह नियति की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने नेताजी को उनके रक्षा मंत्री रहते समय पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI का एजेंट बताया था। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर एक अद्ध समाजवादी पार्टी वाला नाम ना मिला। ये कहते हुए मुझे दुख और शोक हो रहा है कि जो समाजवादी कभी नेताजी के अपमान पर आग बबूला हो जाते थे, आज उसी विरासत के लोग नेताजी को अपमानित करने वाले व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि पूरी पार्टी मजाक का पात्र बनकर रह गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी पड़ेगी, ये बात पहले ही कही जा रही थी। सुबह सपा के अध्यक्ष OP राजभर ने अपने पत्ते खोलते हुए कहा था कि वह और उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनावों में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ साइट के साथ। धन्यवाद।